तो हेलो गाइस, तो ये है हमारी यामा की MT15 न्यू जो आई है हमारी 2023। देख सकते हैं 155 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, लिक्विड कूलिंग है, वही जो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ आती है, इंजन सेम ही ऑलमोस्ट इसका। बस इसके अंदर अब डुअल चैनल ABS आ गया है, और ये देख सकते हैं LED इंडिकेटर भी आ गए हैं इसके अंदर अब, और आगे से वही है, देख लीजिए नया कलर आया है। ये पहले फुल ब्लैक आता था, अब ब्लैक के साथ ये ऑरेंज एलॉय आते हैं। फुल LED सेटअप कर दिया इसका, अब इंडिकेटर जो लोगों को लगते नहीं थे अच्छे हो, अब वो भी LED करती है। और देख सकते हैं इसका लुक, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इस एलॉय के साथ, ये देख सकते हैं वही सब कुछ सेम ऑलमोस्ट, बस जो इंडिकेटर LED कर दिए और वो आपके एलॉय जो है ऑरेंज कर दिए, जो KTM ऑरेंज देता है वैसे इन्होंने भी ऑरेंज दिया है। अच्छा लग रहा है कलर, टायर वही साइज़ आता है 140 का, और पीछे भी LED इंडिकेटर है, ये देख सकते हैं पीछे से टेलर कैसे लगती है इसकी। आगे से देखिए फ्रंट लुक, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है, ब्लैक कलर में तो खासकर बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी आपको 6-speed गेयरबॉक्स आता है इसके अंदर, स्लीपर क्लच आता है इसके अंदर, और आपका दूसरा ये साइड स्टैंड सेंसर भी इसके अंदर आता है बाकी। और ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, या तो मुझे लग रही है पहले से अच्छी लग रही है। और ये देख सकते हैं ग्रैब हैंडल दे रखे हैं, थोड़े यूनिक लगते हैं और बाइकों के मुकाबले इसके अंदर थोड़े यूनिक लगते हैं। तो जो इसका प्राइस अब जाता है मेरे ख्याल से, पहले 192 के अराउंड मिलती थी, ज़्यादा तो अब डुअल चैनल ABS आ गया है और इंडिकेटर भी LED कर दिए हैं, तो अब देख सकते हैं दूसरा कलर भी इसका, तो इसका प्राइस अब 196-197 के अराउंड जाता है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में रह रहे हैं। तो ये प्राइस है इसका, आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।